कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस आलाकमान के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। ऐसे में आने वाले वक्त में वो पार्टी छोड़ सकते हैं। दरअसल फैजल पटेल ने अपने ट्वीट में इस बात का इशारा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इंतजार करके थक गया हूँ, टॉप लीडरशिप से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, अपनी तरफ से सभी ऑप्शन खुले रखे हैं। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल के इस ट्वीट के बाद उनके पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, लंबे बीमारी के बाद अहमद पटेल का नवंबर 2020 में निधन हो गया था। अब 2 साल बाद फैजल पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। पिछले साल अप्रैल में ही फैजल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके आम आदमी पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के संकट मोचक रहे अहमद पटेल का कोविड संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते 25 नवंबर 2020 को निधन हुआ था। अहमद पटेल ने संसद में 8 बार गुजरात का प्रतिनिधित्व किया, 3 बार लोकसभा में और 5 बार राज्यसभा में उनका भरूच निर्वाचन क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध था। पार्टी की गिरती चुनावी किस्मत को देखते हुए कई युवा नेताओं ने अब कांग्रेस छोड़ दी है। आपको बता दें, पिछले महीने ही 27 मार्च को अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कहा था कि राजनीति में औपचारिक तौर पर आने को लेकर अभी आश्वस्त नहीं हूं। हालांकि वो अपने गृह जिले भरूच और नर्मदा में पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए काम करेंगे। फैजल पटेल ने कहा था कि 1 अप्रैल से मैं भरूच और नर्मदा जिलों की 7 विधानसभा सीटों का दौरा करूंगा। मेरी टीम राजनीतिक स्थिति की वर्तमान वास्तविकता का आकलन करेगी और हमारे मुख्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। लेकिन अब उनके आज वाले ट्वीट से सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।